हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 27 अप्रैल और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। डिस्कस करने से पहले जो ऐसा कि डेली कहती हूँ कि जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको यहाँ दिख रही होगी, आप इसे सर्च कर लीजिएगा डाल करके, या फिर लक्ष्य तक आपके साथ डालिएगा तो भी मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो जा करके ये जो चैनल है जहाँ डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब के, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत आप वहाँ चैनल में पहुँच जाएंगे, और हमारे अदर्स चैनल्स भी हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ना है उसकी भी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप जा करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट क्या है वो देख लेते हैं, जो एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आपने अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो। कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाग्य खुल जाएगा तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। अगर आपको अपने लाइफ में चमत्कार चाहिए तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन खुद आप एक चमत्कार बन करके, मैजिक बन करके लोगों के सामने पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों को जिसको उम्मीद भी नहीं रहती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनको करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको उसके लिए वेट नहीं करना है, उसके लिए आप इंतजार मत करिए, बस लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, फिर एक दिन रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्बिया, सर्बिया थोड़ा टाइपिंग रॉन्ग हो गया, सर्बिया ऐसे लिखाता है, क्योंकि हमें आप लोगों को हिंदी भी एकदम क्लियर बतानी है, ये सर्बिया ऐसे लिखाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। तो जो सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट है 2022, इसमें किसने 24 अप्रैल 2022 को पुरुष एकल का खिताब क्या किया है, जीत लिया है, तो किसने जीता है ये देख लेते हैं, और किसको हरा करके जीता है ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये पहले ये देखिए, इम्पोर्टेंट है ये सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022, किसने 24 अप्रैल 2022 को पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है आंद्रे, आंद्रे इनका नाम है, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे, आंद्रे रूबलेव इनका नाम है, आंद्रे रूब लेव। तो ये कहाँ के हैं, रशिया के हैं। इन्होंने जीता है, किसको हरा कर जीता है, ये जीते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जिसको हरा कर जीते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको हरा कर ये जीते, तो वो नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं, जहाँ ये हो रहा था, कहाँ हो रहा था, सर्बिया, तो ये सर्बिया के ही हैं। इनको ये हरा करके आंद्रे रूबलेव जो है ये पुरुष एकल का खिताब सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये है, ये देख लीजिए आप, यही है जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो किसको हरा करके इन्होंने जीता है, नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं, और किसने जीता है, आंद्रे रूबलेव ने जीता है। और अगर कुछ आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें आपके साथ, तो ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ओपन जो 2022 हुआ था, इसमें पुरुष का खिताब, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो वो जीते थे राफेल नडाल, राफेल नडाल। और राफेल नडाल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों मैं बता रही हूँ इसको, तो राफेल नडाल जो हैं ये कहाँ के हैं, ये भी देख लीजिए, स्पेन के हैं, और ये 21 बार ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। कौन, ना राफेल नडाल, कहाँ के, स्पेन के। तो ध्यान रखिएगा, एक तो नोवाक जोकोविच को पूछ लेते हैं कहाँ के हैं, तो सर्बिया के वो हैं, और राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के हैं, जिन्होंने 21 बार टोटल क्या किया है, ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन का पूछ ले तो कौन, एश्ले बार्टी, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर किस देश के ग्वाडलजास शहर को, ये एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है, जिसका नाम है ग्वाडलजास, उसको हाल ही में चुना गया है। किसके लिए चुना गया, वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो ये ग्वाडल शहर को चुना गया, ये कहाँ का है, मैक्सिको का है, कहाँ का है, मैक्सिको का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर किसके द्वारा, यूनेस्को के जो महानिदेशक है वो कौन है, एक मिनट, वो कौन है,
ऑड्रे अजोले इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ग्वाडलजा शहर को किसके लिए 2022 बुक वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए इनको इसको नामित किया गया था, किसके द्वारा, यूनेस्को के महानिदेशक के द्वारा। क्लियर, ये हो गया होगा आपको ध्यान। और ये जो शहर है ग्वाडलजा सिटी जो है ये 2017 से ही यूनेस्को के लिए चुना गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए, यूनेस्को के एक मिनट, यूनेस्को कहाँ चला गया, हाँ जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि यूनेस्को के द्वारा इसे 2017 से ही ये क्रिएटिव सिटी के रूप में इसको लिया गया था, चुना गया था। तो यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन, ये भी ध्यान रखना है। और यूनेस्को के सदस्य कितने हैं, 193। यूनेस्को कितने सदस्य हैं, 193। और इसके प्रमुख कौन है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑन्ड्रे अजोले। और हाँ, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल आपको ध्यान होगा, अभी मैंने कल या परसों के लेक्चर में, मुझे इतना क्लियर नहीं है, मैंने डिस्कस किया था कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। तो ये हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो ये दिन जो विलियम शेक्सपियर है और इंका गार्सिलासो, ऐसे जो बहुत सारे प्रमुख लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये 23 अप्रैल को क्या किया जाता है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो 23 अप्रैल को जो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 2022 मनाई गई, उसकी थीम क्या रखी गई थी, पढ़ें, क्या रखी गई थी, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पढ़ें ताकि आप कभी कम महसूस ना करें। क्या सही थीम रखी गई है कि पढ़ें, अगर आप पढ़ते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, तो आप कभी अपने आप को कम फील नहीं करेंगे। धन तो चलो ठीक है या नहीं है, वो तो होना चाहिए, बट अगर नहीं है, एजुकेशन है, तो इससे आप खुद को आप क्या करेंगे, कभी कम फील नहीं करेंगे। अगर लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप सम्मान के पात्र ही होंगे, तो इसीलिए ये जो थीम रखी गई बहुत ही अच्छी रखी गई है। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो ये वर्ल्ड बुक कैपिटल के द्वारा इस साल क्या किया गया है, ग्वाडलजा शहर जो कि मैक्सिको का है, इसके मैक्सिको के अंदर है, इसी को क्या किया गया है, चुना गया है। अगर ये तो मैंने बता दिया किसके लिए चुना गया है, अगर मैं ये पूछूं कि 2021 के लिए किसे चुना गया है, अगर मैं पूछूं, ये तो 2022 का मैंने बताया, 2021 के लिए किसे चुना गया था, तो 2021 के लिए तिब लसी को चुना गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ फैक्ट की बात करें अगर आपके लिए, कि ये जो मैंने नाम लिया मैक्सिको, ये मैक्सिको, और मैक्सिको और क्यूबा, अभी मैं आपको ले चल करके मैप में दिखा दे रही हूँ कहाँ पर है लोकेशन, इनको कौन सी चैनल अलग करती है, यूकाटन चैनल अलग करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और मैक्सिको किसके लिए फेमस है, चांदी के लिए। ठीक है, और इसकी कैपिटल हवाना। तो ये आपको ये मैक्सिको, एक मिनट गाइस, ये मैंने क्या बताया अभी को, कि चांदी के लिए फेमस है, और ये यूकाटन चैनल अलग करती है क्यूबा और मैक्सिको को, और ये चांदी के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए, इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, क्या कह रहा है कि जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी, एक मिनट लग रहा है कुछ मिस्टेक है, एक मिनट, क्या कह रहा है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल हो गया यहाँ पर, लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार क्या किया है कि करेज पुरस्कार, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, एक मिनट, इसको मैं करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है, कि क्या कह रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से, ये जो सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, कौन से, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो किस को सम्मानित, पांच ऐसे हैं जिसको घोषणा की गई है सम्मानित करने की, यहाँ लिखा हुआ है,
ठीक है, लेकिन ब्लर है, बट मैं अभी एक एक करके आपको नाम बता दे रही हूँ जेलस की, जो कि एकदम छाए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें भी सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा मतलब दिया जाएगा, तो ये पुरस्कार जो कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक स्लासबर्ग हैं उन्हीं के द्वारा 22 मई को दिया जाएगा। ये घोषणा की गई, अभी दी नहीं गई है। तो ये कब दी जाएगी, 22 मई को दी जाएगी 2022 को, जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और किसको किसको दिया जाएगा वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यूक्रेन के हैं, यूक्रेन के कौन है, व्लादिमिर जेलेंस्की, जेलेंस्की डायरेक्ट खाली लिख दे रही हूँ, आप लोग तो नाम पता ही होगा। और अमेरिका के प्रतिनिधि हैं उनको भी मिला है, उनका नाम है लिज चेनी, लिज चेनी। और थर्ड पे किसको मिला है, मिशिगन के राज्य सचिव हैं, ये कहाँ के हैं, मिशिगन के राज्य सचिव हैं जिनका नाम है रसेल, रसेल बोवर्स। और एक कौन है, जॉर्जिया के हैं, जॉर्जिया के फुलटन काउंटी हैं। बहुत ज़्यादा नाम, बस इनको यूक्रेन का ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम याद रखिएगा, बाकी इतने टफ टफ हैं, इसको तो बस एक बार देख लीजिए ताकि सामने आए तो लग जाए कि हाँ कहीं पढ़ा था। फुलटन काउंटी और एक चुनाव कार्यकर्ता है वांड्रिया स्वाय, इनको मिला हुआ, इन 5 लोगों को मिला, जिसमें आपको ध्यान किसका रखना है, जेलेंस्की का ध्यान रखना है, जो कि यूक्रेन के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हीं को क्या किया गया है, जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेशन फाउंडेशन के द्वारा इन 5 व्यक्तियों को पहली बार, ये भी ध्यान रखना है कि जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके द्वारा दी गई है, लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। वो कौन सी लाइब्रेरी फाउंडेशन है, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जॉन एफ कैनेडी, इन्हीं के द्वारा ये पहली बार 5 व्यक्तियों को ये सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का अप्रैल 2022 में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थी, तो किस देश से संबंधित थी, वो जापान, वो कहाँ से, वो जापान की थी। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो 2 जनवरी 1903 को कहाँ पर हुआ था, जापान के दक्षिण पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में, कहाँ हुआ था, फुकुओका, तो फुकुओका वहीं से संबंधित है, जापान से ही, तो यहाँ पर हुआ था। और अभी इनका क्या हुआ है, निधन हो गया है, कितने साल की उम्र में, 119 साल की उम्र में। और इन्हें 2019 में क्या किया गया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा सबसे जीवित उम्र जीवित सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जापान की है बुजुर्ग महिला जिनका नाम है केन तनाका, 119 साल की उम्र में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। अब चलते हैं जापान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके लिए हमें मैप की साइड चलना पड़े, एक मिनट मैप देख लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। दे है, एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा, ये है जापान, क्लियर। फोन चेंज कर लूँ, एक मिनट, कलर चेंज कर ले रही हूँ। ये है जापान, क्लियर। तो जापान जो है ये एशिया का, जापान जो है एशिया के किस किनारे पर है, ये ईस्ट है आपका, तो ईस्ट पर है, ईस्ट पूर्वी किनारे पर स्थित क्या है, ये द्वीप समूह है, ये कैसा है, द्वीप समूह है। और इस जापान के क्या है, 4 मुख्य द्वीप हैं, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, 4 मुख्य द्वीप हैं। वो कौन से मुख्य द्वीप हैं, एक होंशू, होंशू, होकाइडो, ऐसे आता है कि क्रम से लगाइए, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, होंशू, होकाइडो, और क्या है, शिकोकू, शिकोकू, शिकोकू और क्यूशू, क्यूशू, ये आपके क्या हैं, हैं। और ये जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो किस द्वीप पर है, इसी होंशू द्वीप पर है, ठीक है। सबसे बड़ा जी किस पर है, होंशू द्वीप पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है इसके इसके नॉर्थ में क्या है, रशिया है, इसके नॉर्थ में क्या है, रशिया है, ठीक है। रशिया का साइबेरियाई क्षेत्र है, और दक्षिण में इसके कौन है, कौन है दक्षिण में, ये कोरिया और क्या है, चीन है, कोरिया और चीन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब शिकोकू जो है, शिकोकू ये आपका सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप जो है वो क्या है, शिकोकू है, सबसे सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला जो है वो किस नंबर का है, वो कौन सा है, शिकोकू है, सबसे छोटा
कौन सा है? शिकोकू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो द ग्रेट निकोबार द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। जापान की बात कर रहे थे हम लोग, तो जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन, इसको निप्पन भी कहा जाता है। और जापान में एक क्या है? फ्यूजियामा, इसको ऐसे लिखते हैं, फ्यूजियामा, ठीक है। इसको फ्यूजियामा, फूजी पर्वत जैसे फ्यूजियामा भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? जो अभी होनशु द्वीप मैंने बताया वहीं पर ये स्थित है। और ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी, जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जब ज्वालामुखी का नाम ले ही लिया है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्वालामुखी से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अगर हम 1 मिनट 2 मिनट दे करके अगर हम एक नंबर बना ले रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो हमारा क्या है? फ्यूचर बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं लिखूंगी नहीं, मैं बस बता दे रही हूँ। माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में है। माउंट एटना, ये भी आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे है? एटना इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी कैसी है? सुषुप्त है। ये कहाँ का है? इटली में ये भी है। मोनालोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कई बार, हवाई द्वीप में है अमेरिका के। किलीमंजारो कहाँ पर है? ये शांत है। किलीमंजारो कैसा है? शांत है। और कहाँ पर है? तंजानिया में है। फ्यूजियामा, जैसा कि अभी मैंने बताया, फ्यूजियामा जापान का क्या है? होनशु द्वीप पर सबसे ऊंचा है, ऊंचा पर्वत है। तो यहीं से ये ज्वालामुखी पर्वत है जैसा है, क्या है? ये एक्टिव है, एक्टिव है। कहाँ का है? ये जापान का ही है। क्राकातावा कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। क्राकाताओ कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ का है? फिलीपींस का है। माउंट कैमरून, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी, अफ्रीका का है। माउंट कैमरून ये कहाँ का है? अफ्रीका का है। पोप ज्वालामुखी म्यांमार का है, ये शांत है। पोप ज्वालामुखी, पोपा भी कहते हैं इसको, ये कहाँ का है? ध्यान रखिएगा, म्यांमार का है, जो कि ये भी शांत है। और माउंट रेनियर कहाँ का है? अमेरिका का है। एलबुर्ज कहाँ का है? जॉर्जिया का है। माउंट एरबुश कहाँ का है? ये भी आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, जो अंटार्कटिका का है। माउंट एरबुश कहाँ का है? अंटार्कटिका का है। विशुवियस ज्वालामुखी इटली का है, ठीक है। मियाना कहाँ का है? फिलीपींस का है। मियाना कहाँ का है? फिलीपींस। और बात करें स्ट्रॉम्बोली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का, इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। लिपारी, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है। चिम्बरेजो जो ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, इक्वाडोर में है। और माउंट पिनाटूबो फिलीपींस का है। बैरन द्वीप, जो एकमात्र भारत का एक्टिव ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। पोपा ऑलरेडी मैंने बता दिया। एकांक गुआ ज्वालामुखी शांत है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। देवबंद, ये शांत ज्वालामुखी है, बंद हो चुका है। देवबंद, इसके नाम में ही बंद लिखा, यानी शांत हो चुकी है, ईरान है। और कोह मतलब ये भी शांत ज्वालामुखी, ये भी ईरान की है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस जो किया, इससे आपके एक दो नंबर तो 100% मिल जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको जापान के बारे में भी बता दिया है। 1 मिनट गाइस, बहुत नीचे जाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाए। चलते हैं, आ गया। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ट्विटर इनको अप्रैल 2022 में किसने 44 अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? तो ये अभी कल परसों की न्यूज़ है कि अभी किसने किया, जो टेस्ला और इस समय छाए हुए रहते हैं, कौन सीईओ कहाँ के? टेस्ला और स्पेस एक्स के, टेस्ला और स्पेस एक्स के जो हैं सीईओ कौन है? एलन मस्क। इन्होंने ही क्या किया है? ट्विटर इंक को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया ही था। क्या डिस्कस किया था? कि इन्होंने क्या किया है, ट्विटर में इन्होंने 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पूरा इसको 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है। और 44 अरब डॉलर मतलब कि 3.40 लाख करोड़ इसमें इन्होंने खरीद लिया है। और एलन मस्क की बात करें, तो एलन मस्क के लिए इम्पोर्टेंट जो आपके लिए, कि इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का विनर घोषित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट,
स्पेशली यूपीपीएससी के लिए, आरओ के लिए, इन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? कहाँ तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में तैयार हुआ है ये, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो रामपुर की जो ग्राम पंचायत है, रामपुर की ग्राम पंचायत, उसका नाम है उसका नाम है पटवाई। तो यहीं पर क्या किया गया, भारत का जो पहला, भारत का फर्स्ट क्या अमृत सरोवर तैयार बनकर तैयार हो चुका है। और ये नरेंद्र मोदी जी की जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इन्हीं की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो राज्य सरकार है वो जुटी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के तहत जो संकल्प लिया गया था 75 अमृत सरोवर, ठीक है, 75 आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, मतलब 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उसमें जो है 75 अमृत सरोवर की योजना के तहत ये कार्य कराया जा रहा है। और इन्हीं प्रयासों की कड़ी में सबसे पहला जो है ये रामपुर में क्या है, रामपुर में बन करके तैयार हो गया है। और इसमें क्या है, जो गंदगी से पटे तालाब थे उनको कुछ ही हफ्तों में साफ करके इसका क्या किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, एक था कि क्या कहते हैं उसको, कि जो जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में एक मिशन स्टार्ट हुआ था, किस क्या नाम है उसका, अमृत सरोवर मिशन, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसमें यही था, किसके लिए था ये, जल निकायों के कायाकल्प के लिए उनके संरक्षण के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि एक जिले में क्या होगा, 75 जल निकाय शामिल होंगे, जिसमें एक ये स्टार्ट कर दिया गया है जो कि आपका क्या है कि बनकर तैयार हो गया है अमृत सरोवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, यह एक रमणीय पर्यटन स्थल बन जाएगा, तो ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं और कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं कि, और ये जो है ये कितने महीने में कंप्लीट हो चुका है, 3 महीने में इसे लगे हैं कंप्लीट करने में। अगर यूपी के बारे में कुछ और फैक्ट बात करें तो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जा सकता है, कि इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी को किया गया है, जिसमें क्या था, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर ये आधारित थी। और भारतीय नौसेना की जो मार्चिंग टुकड़ी है तीनों सेनाओं में शीर्ष पर थी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जल संरक्षण पुरस्कार अगर पूछ ले किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश को ही मिला है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। अगर बात कर लें कि उत्तर प्रदेश, जब पढ़ ही रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ जो है विधानसभा सीट कितनी है, 403 है, विधान परिषद सीट कितनी है, 100 है, राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट गाइस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ये कब किया जाता है, 26 अप्रैल को किया जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये कब आयोजित किया जाता है, 26 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार की जो थीम रखी गई है, वो हम लोग देख लेते हैं, वो रखी गई है आईपी एंड यूथ, ठीक है, आईपी एंड यूथ या आईपी और युवा, बेहतर भविष्य के लिए क्या होना है चाहिए, नवाचार होना चाहिए। इस बार की यही थीम है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ये क्या करते हैं हमारे दैनिक जीवन को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, इसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसी बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन क्या करते हैं, हर साल मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्यों मनाया जाता है, ताकि समाज में क्या किया जाए, इनोवेशन लाया जाए, रचनात्मकता लाई जाए, और ये 26 अप्रैल को मनाते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर बात करें बौद्धिक संपदा, तो बौद्धिक संपदा क्या है, तो ये जो आईपी है, आईपी जो है यानी कि जो आपका क्या है बौद्धिक संपदा है, ये क्या करती है, माइंड की जो रचनाएं हैं उनको क्या करती है, बताती है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, डिज़ाइन, वाणिज्यिक उपयोग, ठीक है, उनके प्रतीक, नाम, चित्र, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आईपी कानून में संरक्षण इनको दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल बता दें कि पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो लोगों को उनके आविष्कार या निर्माण से मान्यता, ठीक है, या वित्तीय लाभ अर्जित करने में क्या करता है, उनको सक्षम बनाता है। अब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इतना आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ थोड़े ना कि नहीं समझ में आया होगा। चलते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, किसकी थीम मैंने बता दी, और पेटेंट, हाँ पेटेंट के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लाइन और बताने जा रहे हैं आप लोग को, पेटेंट
ये कितने साल के लिए प्रदान किया जाता है? 20 साल के लिए। और वही जीआई टैग की बात करें तो 10 ईयर के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये पेटेंट किसके लिए दिया जाता है? जो नए प्रोडक्ट होते हैं उनको, कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसके लिए दिया जाता है, या फिर जो बनाने की उनकी जो मेथड है, विधि है, नई विधि है, नया इनोवेशन है, उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन टॉप पर है? अमेरिका है, क्लियर। और ये 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अप्रैल 1970 को क्या किया गया था? विपो, विपो, विपो का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसीलिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ब्स की, फोर्ब्स, फोर्ब्स ऐसे लिखाएगा, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के अनुसार कौन दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति अप्रैल 2022 में बन गए हैं? तो कौन बने हैं? ये हैं गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था, तो एलन मस्क, जेफ बेजोस, इन लोगों के बारे में बताया था। तो अप्रैल 2022 में अभी जो है दुनिया जो टॉप 10 अरबपति की सूची में क्या है, ये थोड़ा और ऊपर आ गए हैं। दो भारतीय जो उद्योगपति हैं ये ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि एक नाम मैंने लिया है गौतम अडानी का, और सेकंड कौन है? सेकंड कौन है बताइए आप खुद? सेकंड आपके ये 8वें नंबर के जो हैं, क्या नाम है इनका? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। और एक है ये, किसका नाम अभी मैंने बताया? गौतम अडानी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये गौतम अडानी ने क्या किया है, इनका, इनको पीछे छोड़ दिया। पहले ये इस नंबर पर थे, अब ये आगे बढ़ करके इनको पीछे छोड़ दिए। क्या नाम है इनका? वॉरेन बफेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, वो 8वें पायदान पर पहुँच चुके हैं। अगर बात करें कि इनके जो गौतम, ये गौतम अडानी कितने अरब डॉलर के साथ? 1.23 अरब डॉलर के साथ ये क्या है, 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। हाँ, 1 से 5 तक तो देख लीजिए। हाँ, इनका 5वां ध्यान रख लीजिए, 8वें नंबर पर मुकेश अंबानी है, और 1st पर एलन मस्क हैं, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया कि वो सीईओ कहाँ के हैं, टेस्ला के हैं, ठीक है, स्पेसएक्स के हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। जब बेजोस मैंने बता दिया, और 3rd छोड़ दीजिए, बिल गेट्स का भी देख लीजिए। वैसे 1st 2nd और ये गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और एलन मस्क को मैंने बता ही दिया कि 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर उन्हें घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो वो कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं। ये किसके हैं? पंजाब, पंजाब किंग्स के। ये क्या है? बल्लेबाज शिखर धवन जो है आईपीएल 2022 के, ये कौन सा आईपीएल 38वें मैच में, आईपीएल 2022 के 38वें मैच में जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इन्होंने क्या किया, ये उपलब्धि हासिल की। किसके खिलाफ इन्होंने किया? चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, ठीक है। और ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, जिसमें शिखर धवन को 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी तो पहले कौन है, अगर दूसरा ये बता रहा है, तो विराट कोहली पहले नंबर पर कौन है? विराट कोहली, जो कि एकमात्र बल्लेबाज थे पहले, लेकिन अब ये सेकंड नंबर के ये बन चुके हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आईपीएल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा, बस रिवीजन कर लेते हैं। ये किस नंबर का संस्करण है? 15वां संस्करण है, ठीक है। और कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है, मुंबई और पुणे में हो रहा है, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में हो रहा है, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी हो रहा है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है, ठीक है, टाटा है। और इस टाइम जो है वर्तमान में आईपीएल में कितनी टीम भाग ली हुई है? 10 ली हुई हैं, जिसमें 2 नई कौन सी हैं? गुजरात और लखनऊ। गुजरात के कौन है कप्तानी कर रहे हैं? हार्दिक पांड्या। लखनऊ के केएल राहुल कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है? मुंबई इंडियन है। और पूछ ले सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन है, जो कि ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन भी है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन 26 से 30 अप्रैल, पहले तो ये ध्यान रखना है कब से कब तक किया जा रहा है, 26 से 30 तक किया जा रहा है, और आहार 2022 इसका नाम है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, पहले ये देख लेते हैं। अपीडा के द्वारा किया जा रहा है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? अपीडा, अपीडा। अब आप पूछेंगे ये अपीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अपीडा का फुल फॉर्म क्या है? द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या मैंने कहा कि द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डी से डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। एपीडा का फुल फॉर्म क्या है? द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर हिंदी में कहें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये अपीडा और किसके द्वारा? भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के किस मैदान में? प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये मेला स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इस मेले में 80 से अधिक जो निर्यातक हैं 80 से अधिक जो निर्यातक हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्य और क्या कहते हैं इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र, और इनके जो निर्यातक हैं, महिला उद्यमी हैं, किसान उत्पादक हैं, स्टार्टअप, ये सभी क्या करेंगे? अपना अपना स्टॉल बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें अपीडा की, तो अपीडा जो है अपीडा ये किसके तहत इसकी स्थापना की गई थी? 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसकी क्या की गई थी? 1985 में इसका गठन किया गया था। तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, अब चलते हैं हम लोग रिविज़न कर लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं कल क्या। और हाँ, ये देख लेते हैं अभी इसमें एफ ए ओ FAO का हेडक्वार्टर कहाँ? रोम, इटली में है। और विश्व खाद्य पुरस्कार, खाद्य की बात आई तो विश्व खाद्य पुरस्कार पुरस्कार इस बार किसे मिला था? शकुंतला हरिके सिंह को मिला था। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने ही। चलते रिवीजन करते हैं। सिप्री द्वारा 25 अप्रैल 2022 को जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य मामले खर्च के मामले में कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट पर अमेरिका था, सेकंड पर चाइना था, थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे यूके है, फिफ्थ पे रशिया है। किस देश के इमैनुअल मैक्रो दूसरी बार राष्ट्रपति बने? फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? दिल्ली में किया है। विश्व मलेरिया दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन कब किया जाता है? 25 अप्रैल को करते हैं। किस राज्य में हाल ही में जामताड़ा जिला हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला बन गया है, जिला बन गया है? झारखंड। नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 25 अप्रैल 2022 को कौन सा संस्करण जारी किया है? 7वें नंबर का जारी किया है। 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर यानी कि डीफ ओलंपिक किस देश में 1 से 5 मई 2022 तक आयोजित की जाएगी? ब्राज़ील में की जाएगी। किस देश ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड TDC लॉन्च किया है? इंडिया के द्वारा। ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज जो कि चर्चा में किस बल का है? भारतीय तटरक्षक बल का है। तो उम्मीद है गाइस आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आता, यहीं सबसे आएगा। और 100% गारंटी है फंसेगा, और आप सारे क्वेश्चन को करके भी आएंगे, कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, एक दो को छोड़ करके बाकी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग रिवीजन करिए, ईमानदारी से पढ़िए, और इसको जो आपका वर्क है आप करिए, मेरा जो वर्क है मैं करूँगी, आपका वर्क है लाइक करना, शेयर करना, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको कोऑपरेट करिए, थोड़ा आप एक लाइक कर देंगे तो सपोर्ट मिलता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, कल फिर सिलेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच।